दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट या फिर ऑफिस वर्क के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत ही सारे कमेंट आ रहे थे कि बजट हमारा कम है, 30,000 तक ही बजट है, हम स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना है, या फिर काफी सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि हमें ऑफिशियल वर्क करना है, एमएस ऑफिस से रिलेटेड वर्क करना है, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप वगैरह चलाना है, यानी कोई गेम्स वगैरह या फिर हैवी टास्क नहीं करना है, बजट कम है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना है, कोई बेस्ट लैपटॉप बताइए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 ऐसे लैपटॉप के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल आपके लिए हो सकता है अगर आपका काम ऐसा है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से लैपटॉप हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे एसर स्पायर के बारे में, एसर स्पायर लाइट, क्योंकि ये कम बजट के अंदर बहुत ही बेहतरीन स्पेक्स प्रदान करता है जो स्टूडेंट्स के लिए या फिर लाइट वेट के साथ में ये होता है, जिन लोगों का मार्केट में घूमने का काम है, इस तरीके का जितने सारे टास्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क है, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन ये हो सकता है। रीजन उसका ये है कि इसके अंदर 12th generation का i3 लगा हुआ है। i3 की वजह से आप हल्के में ना लें, ये सारे के सारे काम को करने के लिए बहुत ही कैपेबल लैपटॉप ये हो सकता है। विंडोज 11 के साथ में ये आता है, मेटल बॉडी है इसकी जो दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है, और मेटल बॉडी होने के बाद भी ये 1.59 kg ही इसका वेट है, लाइट वेट है, बिल्कुल प्रीमियम, और स्टील ग्रे कलर के साथ में ये आता है, 8GB रैम है और 512GB SSD के साथ में ये आता है, फुल HD डिस्प्ले के साथ में ये आ रहा है, 15.6 inch का इसके साथ में आपको डिस्प्ले मिल रहा है, यानी कि साइज भी फुल है, बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप ये हो सकता है आपके लिए। इसका प्रोसेसर बूस्ट में 4.4 GHz तक जाता है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इसका स्टोरेज जो 512 GB का है, आप उसको 1 TB तक जो है अपग्रेड कर सकते हैं, ये कंपनी का क्लेम है, लेकिन वैसे देखा गया है कि 2 TB तक आराम से जो है ये सपोर्ट कर जाते हैं जितने भी लैपटॉप हैं, वैसे जहां तक हम लोगों ने देखा है, तो 2 TB तक भी आप जो है इसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रैम की बात करें, रैम अपग्रेडेशन से रिलेटेड, तो 8GB की रैम लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर 2 सॉकेट आपको मिलता है, एक स्टिक और लगा करके आप इसको 16GB भी कर सकते हैं, या फिर जो है 16 GB करके 32GB कर सकते हैं, 2 स्लॉट इसके अंदर मिलता है, लेकिन 16GB बहुत है इसके लिए, जो इस पे काम करना है उसके लिए 8GB भी बहुत है। इसके अलावा अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो USB टाइप सी इसके अंदर मिल जाता है एक, और इसके अलावा जो है USB 2.0 एक मिल रहा है, और USB 3.2 का भी टाइप ए एक मिल रहा है। मिला जुला करके नॉर्मल वर्क करने के लिए सारे पोर्ट बहुत है, जिनकी जरूरत है वो सारे के सारे इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है, बाकी जो माउस पैड वगैरह हर चीज इसका बहुत ही प्रीमियम दिखने में होता है, वैसे ये लैपटॉप बड़ा ही फेमस रहा है, लोगों ने बहुत इसको पसंद किया है। इसकी स्पेसिफिकेशन वाइज अगर हम बजट की बात करें तो इसका प्राइस फिलहाल इस वक्त जो है जो चल रहा है वो चल रहा है 29,990, यानी कि 30,000 के अंदर अंदर ही जो है ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि कई बार ये प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं अमेजोन पर कुछ घंटों के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए शेयर करते हैं, और उसके लिए जो है हम लोग टेलीग्राम चैनल को सेलेक्ट कर रखा है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर के ज्वाइन कीजिए, वहां पर जो है आपको कई बार बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिल जाएगा अगर कोई भी थोड़ी देर के लिए डील आती है, क्योंकि हम लोग सारा दिन लगे रहते हैं, हम लोगों का काम है, बेहतर डील आती है तो हम लोग वहां पर शेयर करते हैं, तो कभी ना कभी बहुत बड़ा आपका फायदा हो सकता है, वहां पर जाकर के शेयर करें। लैपटॉप से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड सभी का रिव्यू जो है हमारे नए चैनल पर लगातार आ रहा है, बाबा टेक रिव्यू चैनल को सर्च कीजिए, वहां पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और वहां पर जाकर के उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस वहां पे आ रही हैं। तो ये तो रहा पहला लैपटॉप। दूसरे लैपटॉप की अगर हम बात करें तो वो भी जो है आपको मिलेगा एसर स्पायर लाइट की तरफ से ही, ये AMD के साथ में है, जिनको AMD पसंद है, AMD Ryzen 3 5300U प्रोसेसर लगा हुआ है, 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा काम करता है, जितने भी सारे काम की हम लोगों ने जिक्र किया है वो सारे काम बहुत ही बेहतर ढंग से करेगा, 8GB DDR4 रैम इसके अंदर भी लगा हुआ है, 500GB का SSD इसके अंदर भी है, और 15.6 inch का फुल HD इसके अंदर भी है, मेटल बॉडी, यानी कि सारा कुछ वही है, बस इसके अंदर जो है प्रोसेसर बदल गया है, AMD Ryzen के साथ में मिल रहा है। तो अगर Intel चाहिए तो पहला वाला मॉडल बाय कीजिए, और AMD चाहिए Ryzen के साथ में जाना है तो आप ये वाला मॉडल बाय कीजिए। अगर दोनों के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जो है परफॉर्मेंस आपको 12th generation i3 का जो है Ryzen 3 5300U से बेहतर मिलेगा, लेकिन यहीं पर इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल रहा है 27,990, यानी कि 2,000 रुपए का डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर
फिर आप देखेंगे तो दोनों में कोई भी अगर बारी बारी से दिया जाए आपको, तो उसके अंदर जो है आप इसके अंदर आप फर्क नजर नहीं पाएंगे, दोनों लगभग लगभग इक्वल ही चलता हुआ नजर आएंगे आप। बाकी नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं एचपी के अंदर, एचपी लैपटॉप 15S के अंदर एएमडी राइजन 3 5300U प्रोसेसर इसके अंदर भी लगा हुआ है, 15.6 इंच का फुल एचडी स्क्रीन के साथ में ये भी आने वाला है, 8GB का DDR4 रैम है, 512GB SSD है, एएमडी का जो रेडियन ग्राफिक होता है बड़ा ही पावरफुल होता है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये देता है, विंडोज 11 के साथ में भी एमएस ऑफिस 2019 के साथ में ये आने वाला है, सिल्वर कलर के अंदर है, 1.69 केजी का इसका वेट है, बाकी थोड़ा सा ओल्ड वर्जन के साथ में ये आता है क्योंकि वाईफाई 5 इसके अंदर मिलेगा और ब्लूटूथ 4.2 मिलने वाला है, तो इस तरीके से थोड़ा सा पहले का बना हुआ है, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, लेकिन अगर हम देखें प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक ये भी है, फिर भी एचपी जैसा ब्रांड है, एचपी थोड़ा सा एचपी और डेल थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो 29,990 रुपए प्राइस है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आप एसर का पहला वाला मॉडल ले सकते हैं, लेकिन काफी लोगों का ऐसा चॉइस होता है कि हमें डेल या फिर एचपी ही चाहिए, तो अगर एचपी चाहिए तो आप ये वाला मॉडल बाय कर सकते हैं 29,990। कई बार इसका भी प्राइस जो है 27-28 तक जाते हुए देखा गया है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पर अगर डाउन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा जेब्रोनिक्स की तरफ से, जेब्रोनिक्स प्रो सीरीज का ZNBC 3S मॉडल है ये। एक्चुअली बाकी सारे जो प्रोडक्ट जेब्रोनिक्स के जो रहे हैं वो चाहे जैसे रहे हों, लेकिन लैपटॉप के अंदर जब से आया है लोगों का भरोसा इस पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लैपटॉप की जो वैरायटीज इन लोगों ने निकाला है वो बहुत ही सक्सेस है, मार्केट से रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ये भी i3 12th जनरेशन के साथ में ही है, 8GB जो है DDR4 रैम लगी हुई है, 512GB SSD है और 15.6 इंच का डिस्प्ले IPS पैनल के साथ में ये आने वाला है, जो कि 180 डिग्री तक जो है आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है, साउंड की क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है और 38.5 वाट की बैटरी के साथ में ये आएगा, 1.7 kg इसका वेट रहने वाला है, बहुत ही अच्छा इसका वेट भी है, लेकिन i5 12th जनरेशन होते हुए भी इसका प्राइस बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि नया ब्रांड है इसीलिए प्राइस इसका बेहतर है, तो अगर जेब्रोनिक्स को लेकर के कोई बहुत बड़ा इशू का ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो स्पेक्स वाइज और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे लैपटॉप इनके आ रहे हैं, प्राइस बहुत अच्छा है, मात्र 24,990 रुपए का ये आपको मिल जाएगा, 25,000 के अंदर अंदर आने वाला ये लैपटॉप आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे बाबा टेक रिव्यू चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं बहुत ही जल्द जो है इस लैपटॉप का रिव्यू करने वाला हूं, सब्सक्राइब करके चैनल को रखिए, बहुत बड़ा फायदा होगा अगर आप कंप्यूटर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि कई सारे लैपटॉप के बारे में हम लोगों को बात करना है, अगर बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसके पोर्ट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पोर्ट से ये लैपटॉप भरा हुआ है जिसकी वजह से आपको डेस्कटॉप की याद नहीं आएगी, सारे पोर्ट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यूएसबी टाइप सी से ये चार्ज होता है, चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है, इसके अलावा जो है यूएसबी 3.2 इसके अंदर दो पोर्ट मिल रहा है, HDMI मिल रहा है, इसके अलावा जो है यूएसबी टाइप सी आपको देखने को मिलेगा 3.2 Gen 1 जो कि डिस्प्ले को भी आउट करेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है, यूएसबी टाइप सी जो है आपको मिलेगा जो कि सिर्फ डाटा को ट्रांसफर करता है, डिस्प्ले की बात करें तो सिर्फ जो है आप एक ही डिस्प्ले को इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बजट कम है तो और क्या ही आपको चाहिए, इसके अलावा जो है आपको दूसरी तरफ RJ45 मिल जाएगा और हेडफोन माइक के लिए जो है कॉम्बो जैक देखने को मिलेगा दूसरे साइड में, और यूएसबी 2.0 का भी एक मिलता है और माइक्रो एसडी कार्ड रीडर भी इसके साथ में देखने को मिलता है, मात्र 25,000 के अंदर अंदर, और क्या ही आपको चाहिए, तो एक बहुत अच्छा लैपटॉप ये भी आपके लिए हो सकता है। बाकी नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं लेनोवो की तरफ, लेनोवो के अंदर V15 मॉडल ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, अगर हम अंडर 30,000 की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा लैपटॉप ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो लैपटॉप है राइजन 3 73U प्रोसेसर के साथ में आता है, यानी कि राइजन 3 का 7320 प्रोसेसर के साथ में आता है, 7320U प्रोसेसर है इसके अंदर, एक जनरेशन ऊपर जो है, बाकी मॉडल में जो आपने राइजन का जो मॉडल देखा आपने उसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, ये अपडेटेड जनरेशन है, ये लेटेस्ट जनरेशन है, 15.6 इंच का फुल HD इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 8GB का रैम है, 512GB के SSD इसके अंदर लगी हुई है और विंडोज 11 होम के साथ में ये आने वाला है, बड़ा ही बेहतरीन लैपटॉप ये हो सकता है, प्राइस बड़ा ही बेहतरीन है, अगर ये प्राइस में मिलता है तो जितने भी सारे लैपटॉप आपने देखा स्पेक्स वाइज सबसे बेहतर ये लैपटॉप रहने वाला है, इसका प्राइस 27,990
90 है, बढ़िया लैपटॉप ये आपके लिए हो सकता है। स्पेक्स वाइज अगर ये प्राइस मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लैपटॉप हो सकता है। तो बाकी जितने भी सारे लैपटॉप हमने बताया, ये मैंने सेलेक्ट करके अपने हिसाब से लेकर के आया हूँ, बजट के अंदर रहते रहते ये बहुत अच्छे लैपटॉप हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप सभी को अच्छा बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो एक्चुअली जब मैं सेलेक्ट करके लेकर के आया हूँ, टॉप 5 लैपटॉप अपने हिसाब से बेस्ट लैपटॉप लेकर के आया हूँ, तो बेस्ट बोलूंगा ही, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ये बेस्ट सारे के सारे बेस्ट जितना हो सकते हैं उस हिसाब से मैं सेलेक्ट करके लेकर के आया हूँ। बाकी कौन सा ब्रांड आपको पसंद आता है, कौन सा AMD में जाना है या फिर इंटेल में जाना है, वो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ब्रांड कौन सा पसंद आ रहा है, ये आपका सिलेक्शन हो सकता है। मॉडल दिखने में कौन सा कैसा लग रहा है, ये आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी ये सारे लैपटॉप अपने आप में बेहतर हैं, जितने भी सारे काम की हम लोगों ने जिक्र किया वो सारे काम को ये सब बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। तो आप थोड़ा सा अपनी चॉइस रख करके आप इनमें से कोई सा भी बाय कर सकते हैं, काम करने के लिए सारे के सारे लैपटॉप बहुत ही बेहतरीन है। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका दिन शुभ हो।